सलमान खान की अपकमिंग पीरियड फिल्म भारत को लेकर क्रिएट हो चुका है काफी बज। आफ्टर रेस 3 फेल्ड टू मैच अप टू हिज फैंस एक्सपेक्टेशंस, सलमान भारत के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहते एंड वांट्स टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। रीसेंट रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट भारत के शूट का सिर्फ एक लास्ट स्केड्यूल बचा हुआ है एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द फिल्म इज दैट कि फिल्म के मेकर्स ने इस लास्ट स्केड्यूल के लिए ओल्ड दिल्ली को मुंबई में कर दिया है रिक्रिएट। सलमान की फिल्म का ये पोर्शन ओल्ड दिल्ली के 1950s में सेट होगा और मेकर्स ने फिल्म सिटी में एक नहीं बल्कि 3 नए एक्सपेंसिव सेट बनाकर किया है इस एरा को रिक्रिएट। इस न्यूज को फिल्म के को प्रोड्यूसर ने भी खुद किया है कंफर्म। व्हाइल द प्रेपरेशंस फॉर द शूट इज ऑन फुल स्विंग, सलमान ऑन द अदर हैंड फिलहाल है ब्रेक पर। पिछले कुछ दिनों में उन्हें क्रिसमस पार्टीज और रिसेप्शंस पर देखा गया है और करंटली सलमान कर रहे हैं अपने बर्थडे प्लान्स की तैयारी विच इज ऑन 27th December। पोस्ट द सेलिब्रेशन सलमान अर्ली जनवरी से भारत के लास्ट लेग की शूट में लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जहां सुपरस्टार सलमान खान ने क्रिसमस पर एक ग्रैंड बैश होस्ट किया, वहीं सलमान ने इस पार्टी से अपनी, अरबाज और सोहेल की एक डांसिंग वीडियो भी शेयर की है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के? आज का दिन हर दिन जैसे गुजरता है वैसे गुजर रहा है। मणिपुर वाले ने बहुत नवाजा है, शुक्रगुजार है। बस ये कहना चाहेंगे और आप लोगों को इतना कष्ट हुआ यहाँ पर आने का और इस बार कम लोग आए हैं। नंबर्स मायने रखते हैं? नंबर्स इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है। आई होप कि कुछ और नंबर्स में भी ना लगे ऐसा कि नंबर्स मायने रखे। आई थिंक बस ऊपर वाले इज्जत दे और सेहत दे, शोहरत कमा लेंगे उसके। एक अभी मैगजीन है उसने आपको टॉप सेलिब्रिटी किया है। झूठ लिखते हैं पब्लिक जो है वो भी आपको बेहिसाब और दिल से प्यार करती है एंड दे आल्सो रिकॉग्नाइज यू। बस ये इसी बात की खुशी है। इस बात स्टारडम वगैरह तो इट मैटर्स इन वन वे के काम चल रहा है, बट ये जो इतनी इज्जत और इतना प्यार जो लोगों से मिलता है उस बात की खुशी के लोगों को भरोसा है मुझ पर और भरोसे से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं छोटे से बच्चा हूँ या बड़े सब लोग रेंज देखो आदमी का जब से 50+ हो गया हूँ मैं तो एक और फैन फॉलोइंग ऐड हो गई है। विमेंस की वो 60+ है, 70+। तो मैं आप हमेशा कहते हैं कि मैं दूर रहता हूँ, मैं फार्म हाउस में जाकर के बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन कोई छोड़ता नहीं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। नहीं, एक दो फ्लॉप हो जाएगी तो घर पर रहूँगा ज़्यादा कष्ट। बस ये हमारा बस फैमिली है और जितने भी दोस्त यार फैमिली हैं उन्हीं को साथ लेके चलते हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। जो हमारे फैंस हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रेजोल्यूशन मेरी मदर ने मुझसे 4 दिन पहले कहा कि अब ये फोर पैक नहीं चलेगा। वैसे तो क्या बनाया आपने इस साल का रेजोल्यूशन? क्या रेजोल्यूशन है? कुछ मत छोड़ो, सिर्फ मुझे एक चीज़ करो कि मुझे 6-pack ला के दिखा दो। अब इसका मतलब कि डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा, बहुत सारा वही कर रहे हैं। अब
पिछले ये चार दिन पहले का कॉन्वर्सेशन है और सुबह जिम जाता हूँ, शाम को जिम जाता हूँ, भागता हूँ एक आध घंटे और खाने की बहुत फूल कंट्रोल कर लिया। तो माँ ने कहा है कि सिक्स पैक ला के दिखाओ तो मुझे, जो कि तुम्हारे लिए सिंपल होगा, जो कि है तुमको अब ला के दिखाना पड़ेगा। इस साल के एंड एंड में मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं 31 दिसंबर, माँ को एक भेंट करेंगे सिक्स पैक, ट्वीट करेंगे इसके लिए सब एक आध दो हफ्ते ही करते हैं। नए साल में कुछ नई चीज चाहते हैं या मन में कोई इच्छा है आपके लिए? बस ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है। और बीइंग ह्यूमन के लिए कुछ करना चाहेंगे? अरे बीइंग ह्यूमन कंगाल हो गया, 50% का डिस्काउंट दिया था, खाली हो गया। आज आपने बीइंग ह्यूमन पहना है? पहना है, हमेशा एक चीज बीइंग ह्यूमन की पहनता हूँ। आज कौन सी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे हीरो हैं। ऐसा एक मौका मिला है मुझे कि उनकी बच्ची को लॉन्च करूँ और ज़हीर के फादर मेरे बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने मुझे कुछ 2011 रुपए लोन किए थे, कुछ 11,000 में हो गए। उसका कीमत तो कभी ना कभी तो अदा करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। भारत की शूटिंग अब शायद लास्ट लेग है, अगले महीने हमें ऐसा लगा था कि लास्ट लेग है पर ऐसा नहीं। लेकिन लास्ट नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, काफ़ी सारे लेग हैं, कुछ 30 दिन की शूटिंग बाकी है। दिल्ली बाकायदा मुंबई सब, हाँ अब वो सब हो गया, अब शूटिंग होगी फिल्म सिटी में। थैंक यू सो मच। We'll be right back.